सोलन में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जिसमें 5 घंटे की भीड़ दी जाती है, जिसमें सभी तरह की दुकानें खोली जाती है। जैसे ही 2 बजते हैं सभी दुकानों को पुलिस बंद करवा देती है। 2 बजे के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मदिरा की दुकानें ऑन डिमांड खोली जाती है और बिना किसी डर के सरेआम यह मदिरा बेची जा रही है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इन विक्रेताओं को कानून नाम का कोई डर नहीं है। हद तो इस बात की है कि कर्फ्यू के दौरान यह दुकानदार मनमाने दामों पर यह मदिरा बेचकर चांदी कूट रहे है। हैरानी वाली बात यह है कि इसकी भनक अभी तक पुलिस को नहीं लगी है। जब इस बारे में सोलन के ASP अशोक वर्मा को अवगत करवाया गया तो उन्होंने कहा कि सोलन में कानून व्यवस्था बनाने के लिए उनकी विभिन्न टीमें शहर में काम कर रही है। आज उन्हें मदिरा की दुकानों के बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है, जिसके चलते उन्होंने अपनी सभी टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी दुकानदार समय अवधि खत्म हो जाने के बाद भी अपना व्यवसाय जारी रखेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर वह फिर भी नहीं माने तो शराब के ठेकों को सील करवा दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो हमारा स्टाफ है, हमने अपने स्टाफ को ब्रीफ किया है कि जो समय अवधि है उसके बीच में तो उनको कहा ना जाए, लेकिन अगर उसके बावजूद ये खोलते हैं और अंदर से लिकर को देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनका चालान किया जाए, और अगर आवश्यकता हुई तो एक्साइज विभाग से संपर्क करके जो ठेके हैं उनको सील भी किया जाए। तो सर अभी तक कितने कार्रवाई कर दी गई? अभी ये मामला आज ही ध्यान में आया है तो इसके लिए जो थाना स्टाफ को और चौकी स्टाफ को जो है वो सूचित कर दिया है और उनसे कार्रवाई कराई जा रही है। जिला पुलिस सोलन में पुलिस मुख्यालय पर राउंड द क्लॉक ड्यूटीज लगा रखी हैं, जो शिफ्टों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसमें शॉप्स को भी चेक किया जा रहा है कि इसमें भी बंद हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसमें से पहले तो नहीं खुल रही हैं। तो जहाँ जहाँ मामले शॉप्स के खुलने के पाए गए वहाँ उनके चालान किए गए हैं और उनको फाइन भी किया गया है। आप सभी घर पर सुरक्षित रहें, कोरोना नियमों का ठीक से पालन करें, हम सभी मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।